नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सालेचा है। काजल, आज मैं आपको बताऊंगी काजल के एक दो उपाय जो आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर के अंदर अगर बरकत नहीं हो रही है, नजर लगी हुई है घर के अंदर, अगर तरक्की नहीं हो रही है, तो उससे हम कैसे वो उपाय करके हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, उन नेगेटिविटी से, उन चीज़ों से जो हमारे घर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। काजल जो होता है, वो जो सिंपल हम काजल लगाते हैं, उनसे कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जिनसे कि हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अगर घर के अंदर किसी को नज़र लगी हुई है या घर में तरक्की नहीं हो रही है, फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप एक सिंपल सा उपाय करें जो मैं आपको बताऊंगी। आपको ये उपाय शनिवार के दिन करना है, यानी कि सैटरडे के दिन आपको ये उपाय करना है। आपको सिंपल क्या करना है, मॉर्निंग में सुबह उठते ही प्रातःकाल नहा धो के आपको एक काला कपड़ा लेना है। शनिवार के दिन एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े में एक जटा वाला नारियल जो होता है, जिसकी जटाएं होती हैं, वो नारियल आपको लपेट देना है। वो नारियल लपेटने के बाद आपको उसके ऊपर काजल से, यानी कि जो मैंने आपको बताया, जो काजल हम आँखों में भी लगाते हैं, उस काजल से आपको 21 बिंदियाँ लगानी हैं उस जटे वाले नारियल के ऊपर, जो काले कपड़े में लिपटा हुआ है उसके ऊपर आपको 21 बिंदियाँ, यानी 21 बिंदियाँ आपको लगानी हैं। और उसके बाद आपको ये जटा वाला नारियल जो है, जो काले कपड़े में है, जिसके ऊपर हमने बिंदियाँ लगाई हैं, उसको आप अपने घर के मेन डोर पर टांग देंगे। काले कपड़े के साथ ही मेन डोर पर टांग देंगे, तो आप ये देखेंगे कि अगर आपके घर में कलह हो रही है, अगर आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, अगर आपके घर में नजर दोष है, तो ये सारी चीजें जो है, ये एक छोटे से उपाय से खत्म हो जाएंगी। ये छोटे से उपाय से सारी नेगेटिविटी हट जाएगी। तो ये उपाय आप ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं जो नौकरी में हैं, यानी कि जो जॉब में हैं, जिनको जॉब का खतरा रहता है, जॉब छूटने का खतरा रहता है, या जिनको ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम आ रही है कि उनका ट्रांसफ़र ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जॉब में प्रॉब्लम दे रही हैं, तो आपको इसके लिए अगेन मैं काजल का उपाय बताऊंगी, सुरमे का उपाय बताऊंगी कि आपको क्या करना है। आपको डली वाला 5 ग्राम सुरमा लेना है, जो डली वाला होता है वो 5 ग्राम लेना है, और उसको चुपचाप जाके किसी सुनसान जगह पे गाड़ देना है। जिस औजार से आप उसको गड्ढे को खोदेंगे और गाड़ेंगे, वो औजार घर पे नहीं लेके आना है, चाहे लेटेड भी एनीथिंग, चाहे चाकू हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपको घर पे नहीं लेके आना है, वो वहीं पे छोड़ के आ जाइए और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो मैं ये आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है या ट्रांसफ़र रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। ये जो दो उपाय हैं, ये सुरमे वाले, काजल वाले जो मैंने आपको बताए हैं, ये ज़रूर करिएगा और करके प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आप ऐसी प्रॉब्लम में हैं तो। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।